ये तो दिल्ली का कुत्ता रहा है, कुत्ता रहा है और वफादारी नहीं की, अब ये गद्दार हो गया है। तो गद्दार को लात मारी जाती है, वही भाजपा ने किया, वही हिंदुस्तान की एजेंसियों ने इनके साथ किया। देखिए मैं बार बार कहता हूं, जो हिंदुस्तान के साथ वफा करेगा वो कोई भी हो, आज हुर्रियत वाले वफा करे, अफरा तफरी छोड़ के मेन स्ट्रीम में आ जाए, दिल्ली उनको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन एक तो चोरी और सीना जोरी करेगा, उसकी औकात हम बताएंगे। और थोड़ा यकीन रखिए, इलेक्शन होने दीजिए, कुछ लीडरों को काल कोठरी में भरेंगे। आपकी रोटी पकती है जब हमारे खून से, आपका झंडा लाल है हमारे खून से, फिर भी आपने कश्मीरों को धोखा दिया और गुमराह किया। लोकसभा इलेक्शंस के लिए हम श्रीनगर में हैं, अलग अलग पॉलिटिशियन से बात कर रहे हैं। मेरे साथ है संदीप मावा बातचीत करने के लिए, क्योंकि लगातार संदीप मावा कोई कंट्रोवर्शियल लीडर माना जाता है। हमेशा संदीप मावा एनसी हो, पीडीपी हो या दीगर जमातें हो, उन पर तंज कसते हैं। किस तरह देखते हैं लोकसभा इलेक्शंस को आप, इन इलेक्शंस को, क्योंकि पिछली बार भी लोकसभा इलेक्शंस हुए 2019 से पहले, तब और अब में क्या फर्क है? आज यही लोग आपस में कुर्सी के लिए जंग लड़ रहे हैं। मैं बार बार आप लोगों को कहता था, ये कभी कश्मीरी के दोस्त नहीं है, ये अपनी जमातों के दोस्त नहीं है। कल तक उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती इकट्ठे, या ये जो तारीगामी है इकट्ठे, दे वुड स्ट्रेटेजाइज कि कैसे हम भाजपा को हराए। और यही लोग दिल्ली गए थे, उनके पैरों में गड़गड़ाए थे कि हमें सपोर्ट करो। आज हिस्टोरिक इलेक्शंस है। जो 32 साल से कश्मीरी कहता था आई आई आज़ादी, आज कश्मीरी को आज़ादी वाली इलेक्शन इसको मैं कह सकता हूँ। इससे पहले आपने देखा होगा, अगर आज़ादी मिली थी तो इन रीजनल पार्टीज़ को, इनको आज़ादी मिली थी बेगुनाह कश्मीरी को फंसाने की, कश्मीरी को मरवाने की आज़ादी। और आज आपने खुद इन जो इंटरव्यू इन दिनों लिए होंगे, आपने देखा होगा, स्पेशली मैं नाम लेके कहना चाहता हूँ, उमर अब्दुल्ला कितना फ्रस्ट्रेट हुआ है। दूसरे लीडर्स पीडीपी के कहते हैं हम रेफरेंडम इसको मानते हैं, मैं इसको मानता हूँ। ये कश्मीरियों का जो ख्वाब था आज़ादी, आज बिना खौफ के, बिना डर के, वो खुल के आप वोट करेंगे। और आप देखेंगे अभी कुछ देर पहले यहाँ एक, अभी वो जो इलेक्शन के वो आए थे फॉर्म लेकर, तो हुजूम यहाँ था मेरे घर के बाहर। तो लोग चाहते हैं इस नासूर से निकलना, वो चाहते हैं कश्मीर को आबाद करना। और अल्टीमेटली जो रीजनल पार्टीज यहाँ थी उनका नाश होगा। मेरी बात आप नोट कर लीजिएगा मसूद साहब। मुझे बताइए किस तरह से आप देखते हैं कि जिस तरह इलेक्शंस में वोट बायकॉट होते थे, कॉल होती थी, क्या इस बार संभव है ये चीज़ें? देखिए वोट बायकॉट नहीं होता था। पर्टिकुलर मैं आपको एक थोड़ा सा बता दूँ फैक्ट्स। इससे पहले सुबह 7 बजे नेशनल कॉन्फ्रेंस के या पीडीपी के कैडर के लोग निकलते थे सुबह, कहाँ जा रहे हो, हम दूध लेने जा रहे हैं, वो लोटा लेके या रोटी लेने जाते थे। ये सीधा बैलेट में जाते थे, बैलेट वहाँ प्रेस करते थे अपनी जमात को, और वापस आके यही लोग पथराव करते थे। ये थी इनकी जमहूरियत, ये था इनका सियासत कि कश्मीरी को मारे। खुद के जो हमारा कैडर है, फिक्स्ड कैडर है, जो इनके डेडिकेटेड कैडर्स हैं 2-4%, वो वोट डाले, उन्हीं को फायदा मिले और आम कश्मीरी को पैलेट इंजरीज मिले, मौत मिले। आज आपने देखा होगा सबसे मातम दरी जिस जमातों में है वो रीजनल पार्टीज है। और एक बड़ी चीज हो गई इस बार, आपने खुद देखा कि हिस्टोरिक इस बार कैंडिडेट्स उतरे, इतने कैंडिडेट हिस्ट्री में होते थे इससे पहले 2019 में 8 कैंडिडेट थे, आज 28 कैंडिडेट हैं। दैट मींस कि आम कश्मीरी को जमहूरियत पे या डेमोक्रेसी पे यकीन आ चुका है, कोशिश उसको लग रही है कि हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है कि यहाँ अमन का माहौल हो। और अल्टीमेटली देखो, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में तब विश्वास आता है जब आप वैसे हालात क्रिएट करते हैं, करप्शन आपने दूर किया, स्मार्ट सिटी धीरे धीरे बन रही है, जो यहाँ नासूर जिन लोगों ने बनाया था, अफरा तफरी का, मौत का आलम, वो सब रोक के आज कश्मीरी मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश कर। पीएजीडी किस तरह देखते हैं? पीएजीडी प्लेटफॉर्म था जिस पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये अपोजिशन की थी और कहा था कि एक साथ मिलके हम जो बाकी ताकतें उनसे लड़ेंगे, भाजपा को बाहर निकालेंगे, आज वो अलग अलग है। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये एक अपॉर्चुनिस्ट अलायंस थी। जब आप सरकार से बाहर हो, इलेक्शनरिंग नहीं हो, दूर हो इलेक्शन, तब जाके पीएजीडी, तब चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, एनसी हो, वो मुस्क्यों क्यों वाली एएनसी हो, तो आपने देखा। और आज यही लोग आपस में कुर्सी के लिए जंग लड़ रहे हैं। मैं बार बार आप लोगों को कहता था, ये कभी कश्मीरी के दोस्त नहीं है, ये अपनी जमातों के दोस्त नहीं है। कल तक उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती इकट्ठे,
या ये जो तारीगामी है, इकट्ठे दे वुड स्ट्रेटेजाइज कि कैसे हम भाजपा को हराए। और यही लोग दिल्ली गए थे, उनके पैरों में गड़गड़ाए थे कि हमें सपोर्ट करो। तो इनकी हकीकत तो हमें पता है, लेकिन आप ये याद रखिएगा, इस बार जो इलेक्शन रिजल्ट होगा इट वुड बी हिस्टोरिक। आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे जीती थी, गुंडे पाल रखे थे इन लोगों ने। अगर कोई मैं कश्मीरी पंडित था, कोई वोट डालने जाता था, ये बोलते थे कि मैं कश्मीरी में है पंडित जी चूंट वोट त्रो वैसे। आज पहली बार मैं जिंदगी में वोट डालने वाला हूँ, क्योंकि फ्री और एक इनका माहौल बिल्कुल सुधर चुका है। तो मैं कोशिश करूँगा, मेरी आवाम कोशिश करेगी, मेरे कश्मीरी भाई हिंदू मुसलमान मिल के कोशिश करेंगे। जिसने कश्मीरी का इस्तेमाल किया है उसको हराएंगे, और जिसने कश्मीरी के साथ शाना बशाना उनके साथ उठे हैं, बैठे हैं, गम में रहे हैं, उसको जिताना। ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने प्रॉक्सी कैंडिडेट यहाँ पे खड़े किए हैं, और ये कह रहे हैं कि सेंटर की बैकिंग से कुछ कैंडिडेट यहाँ पे हैं जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ विदाउट सेंटर कोई पार्टी खड़ा नहीं हो सकती है, बिकॉज ये एक बड़ा सेंसिटिव स्टेट है। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अब आज वाइस प्रेसिडेंट हैं उमर अब्दुल्ला, इन्होंने अपनी शुरुआत कहाँ से की? वाजपेयी जी के भाजपा से। तब भी भाजपा वही थी, तुम करो तो चमत्कार और हम करें तो, मैं नाम नहीं बताना चाहता पूरा। तो इनके ये ढोसले निकल चुके हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, कुछ दिन पहले ये फिर गिड़गिड़ाए थे जब फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया था कि खिड़की और दरवाजे खुले हैं। वो इसलिए दिया था क्योंकि इनकी मीटिंग थी कुछ दिन के बाद, लेकिन बदकिस्मती से भाजपा ने इनको वो कहते ना सॉकर किक मार दी बाहर। तो आज ये फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। ये तो कह रहे हैं कि जो कुछ पार्टियां हैं वो दिल्ली का सपोर्ट ले रहे हैं और उनसे मिल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? जो ये तो कह रहे हैं हम कभी दिल्ली से मिले नहीं, ना हम दिल्ली से हाथ मिलाएंगे। दिल्ली, देखो छोटी सी बात समझो, जब 1947 में महाराजा ट्रीटी एक्सेशन करना चाहते थे हिंदुस्तान के साथ, तो जवाहरलाल नेहरू ने कंडीशन रखी कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर बनाओ, तब जाके विल डू एक्सेशन, दैट इज ऑन रिकॉर्ड। तो दिल्ली के लोग ये, दिल्ली के टट्टू ये, अब ये इनको हुआ क्या? इनको कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये घमंड में आ चुके हैं कि दिल्ली हमारे बगैर चल नहीं सकती है। यही महबूबा कहती थी कि यहाँ हिंदुस्तान का एजेंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा। तो इनको इनकी औकात दिखाना बड़ा ज़रूरी है साहब, तो इसलिए इनको दिल्ली ने दे हैव कट देम टू साइज, क्योंकि ये कुछ चौड़े हो चुके थे। तो दिल्ली के सब, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, ये सब दिल्ली के साथ मिले हुए हैं। अब कभी बात बनती है, कभी बिगड़ती है, अभी इनके हालात इनकी हरकतों से बिगड़ चुके हैं दिल्ली के साथ, और कुछ लोगों के बन चुके हैं। ये तो बाजी है, कभी आपके पास कभी मेरे पास, तो लेकिन ये भी नहीं होना। ये भी खबरें हैं, र्यूमर स्पेकुलेशन है कि भाजपा ने सेंटर ने बड़ी इनको प्रेशराइज किया, फोर्स किया पीजीडी प्लेटफॉर्म तोड़ने के लिए। क्यों टूटे अगर ये कहते हैं ऐसा? देखिए मैं वही कह रहा हूँ, इनको बड़ा फोर्स किया प्लेटफॉर्म तोड़ दिया। अगर ये कहते हैं सेंटर में, इसका मतलब कोई तो कमजोरी थी ना। अगर ये कश्मीरी के हुकों के लिए खड़े हुए थे, अगर आपको याद हो जब 5 अगस्त 2019 को एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ था, उमर अब्दुल्ला ने दाढ़ी और बाल रखे थे, कहा तब तक मैं इलेक्शन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लूँगा जब तक वापस 370 लेकर नहीं आऊँगा। आज तो यही गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमको वोट दो, वी आर पीपल। और अजीब बात, जिस लीडर ने, जिस चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने पैलेट गन्स लाए यहाँ, हमारी हमको अंधा कर दिया, हमारी माओ बहनों को रुसवा कर दिया, वो कहता है यू हैव टू डिसाइड बिटवीन रीजनल लीडर्स एंड द पीपल ऑफ दिल्ली। ये तो दिल्ली का कुत्ता रहा है, कुत्ता रहा है, और वफादारी नहीं की। अब ये गद्दार हो गया है, तो गद्दार को लात मारी जाती है। वही भाजपा ने किया, वही हिंदुस्तान की एजेंसियों ने इनके साथ किया। देखिए मैं बार बार कहता हूं, जो हिंदुस्तान के साथ वफा करेगा, वो कोई भी हो, आज हुर्रियत वाले वफा करे, अफरा तफरी छोड़ के मेन स्ट्रीम में आ जाए, दिल्ली उनको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन एक तो चोरी और सीना जोरी करेगा, उसकी औकात हम बताएंगे। और थोड़ा यकीन रखिए, इलेक्शन होने दीजिए, कुछ लीडरों को काल कोठरी में भरेंगे, जिन्होंने देखो दिल्ली ने हमारे बच्चों के लिए क्रिकेट किट्स भेजे, वो पैसा 125 करोड़ भी आपने खा दिया, तो आप कौन से लीडर हो, कौन से वेलविशर ऑफ कश्मीरियों के? आपकी रोटी पकती है जब हमारे खून से, आपका झंडा लाल है हमारे खून से, फिर भी आपने कश्मीरियों को धोखा दिया और गुमराह किया। बड़ी खबर बताई कि इलेक्शन के बाद कुछ लीडर काली कोठरी में होंगे, कौन होगा?
देखिए आप बात निकल गई है। देखिए आप मुझसे बेहतर समझते हैं किन लीडरों ने चोरियां चकारियां की है, पता आपको भी है लेकिन जी बिल्कुल मुझे नहीं, पूरे कश्मीर को पता है। मैं नाम लेके कहूंगा, फारूक अब्दुल्ला इज द नेक्स्ट टारगेट। क्यों? उसने धोखा दिया और बार बार यहां के लोग डिमांड कर रहे हैं कि इन लोगों को इनकी औकात बताइए जिन्होंने हमारे हुकूक खाए हैं। ये आवाज कश्मीर के आम जन से निकली है। वी हैव टू रेस्पेक्ट दैट वॉइस। दम तक नहीं एनसी को, इसलिए नहीं क्योंकि उसने कत्लो गारत का टू बी इन पावर उन्होंने हमें मरवाया, तो वो तो गद्दारी कौम के साथ भी, वो इखलाकी गद्दारी है, वो दीनी गद्दारी है। अगर मैं उनको वोट दूंगा इसलिए बिल्कुल बिल्कुल इनको वोट नहीं देंगे। बाकी और 26 कैंडिडेट हैं जो मुझे लगेगा कि वाकई कश्मीरी की खिदमत कर सकता है, धोखे के बगैर, सियासत गंदी राजनीति के बगैर आम कश्मीरी को आराम देगा, पीस में। कश्मीरी क्या चाहता है? वो कहता है आज बख्श तो आराम में रहने दो, हमें अपनी जिंदगी गुजारने दो आराम से। वो भी मेरे नेता गुजारने नहीं देते हैं। जो उनके हुकूक दिलाएगा, उनको जिन लोगों को पीएसए में बंद किया उनको धीरे धीरे छुड़ाने की कोशिश जिसकी ईमानदार न होगी ज़रूर उसके साथ रहेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ हैं संदीप मावा बातचीत करने के लिए। लेकिन किसको वोट देंगे, किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे वो उन्हें बताया नहीं। एनसी और पीडीपी को सपोर्ट नहीं करेंगे। आगे भी आपको बहुत सारे लीडर से मिलाएंगे, बातचीत करेंगे लोकसभा इलेक्शन को लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।